मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर फिफ्टीन आवर एनवायरमेंट और इसके बहुत ही ज्यादा यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम आएगा आई मीन एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा खास करने की जरूरत नहीं है तो चलिए स्टार्ट करें फर्स्ट है व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ आर एनवायरनमेंट हमारे एनवायरनमेंट के टू दो सबसे मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं तो फर्स्ट है बायोटिक एंड सेकंड है अबायोटिक बायोटिक को बोलते हैं लिविंग कंपोनेंट्स और अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर हमारा एनवायरमेंट बना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है यह पहले भी ऑल इंडिया के एग्जाम में आया हुआ है तो ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो ये खुद से अपना फूड बना लेते है ना? हैं ना इसीलिए इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ज कॉज इन ह्यूमन बींग्स ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर जैसे कि आपको पता है कि एटमोसफेयर में ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है तो कौन सी ऐसी डिजीजे है जो ह्यूमन बींग्स में आ रही है इस वजह से तो स्किन कैंसर है जो ह्यूमन बींग्स में आ रहा है ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेअर इन द एटमोसफेयर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाउ इज ओजोन फॉर्मड इन द अपर एटमोसफियर अपर एटमोसफियर में ओजोन किस तरह से बनती है तो पहले हम इसी का आंसर करते हैं ओजोन कैसे बनती है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्ट्रावाट रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है कि यूवी रेज जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन के ऐटम्स जो है वो टूट जाते हैं उसके बाद ये वापस से ऑक्सीजन का एटम जब ऑक्सीजन से वापस से रिएक्ट करेगा तो ओजोन ले ओजोन इंक्रीज होता है ठीक है अगला है वाई इज द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर अ काज ऑफ कंसर्न टू अस हमें घबराने की जरूरत क्यों है कि भाई ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो रही है इसमें क्या चिंता की क्या बात है बिकॉज ड्यू टू इट्स डैमेज जो अल्ट्रावायलेट रेडियेशन्स है वो ज्यादा से ज्यादा अर्थ सरफेस में आएंगी और ह्यूमन बींग्स के लिए एनिमल्स के लिए सभी के लिए बहुत ज्यादा हिजेडियस होंगी यानी इट कॉज वेरियस हेल्थ हिजार्ड्स राइट right? और हमें एक कॉज बताना है जिससे जिस अब तक हो चुका है डैमेज तो क्या डैमेज हुआ है प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरो इन द एटमॉस्फेयर जो क्लोरो एटमॉस्फेयर में है इससे भी ओजोन लेयर क्या है डैमेज हो रही है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टेट टू प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट इन आर डेली लाइफ अब हमें बताना है कि जब हम डेली रूटीन में हम जो भी कुछ एक्टिविटीज करते हैं चाहे हम किचन में करें वॉशरूम में करें या कहीं भी तो कुछ वेस्ट जनरेट करते हैं जिसमें से कुछ होते हैं बायोडिग्रेडेबल और कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो रिसाइकल नहीं हो सकते तो हमें बताना है कुछ भी टू प्रॉब्लम जो इसकी वजह से होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इससे वॉटर्स एंड सॉइल पॉल्यूशन तो होता ही है साथ में एन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है ठीक है और क्या है कि ड्रेन्स को क्लॉग कर देता है क्योंकि ये तो तो हो नहीं सकता तो कर देता है वॉट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटांसेस आपसे पूछा गया है कि क्या चीज होती है इनमें से हमें बताना है कि कौन से जो है पॉल्यूटेंट्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल uh, है ठीक है तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो सब्सटेंसेस जिनको इजिली जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको इजिली सिंपलर और हार्मलेस सबस्टांस में हम क्रिएट कर सकते हैं उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड में और ये किस प्रोसेस किस चीज के थ्रू होती है ये माइक्रो ऑर्गेजम जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनके थ्रू होती है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जिन सब्स्टांसिस को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उनको हार्मलेस नहीं बना सकते नेचर के लिए तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पांच चीजें दी गई हैं इनमें से हमें बताना है कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन से हैं तो एग्रीकल्चर वेस्ट ये इसे कर सकते हैं। ये ब्रेक है, तो yes, yes, का का काफी सारा ऐसा होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स जिसको हम इजिली रिसाइकिल कर सकते हैं डीकम्पोज हो जाता है ये और रीधी री ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो हमसे बायोडिग्रेडेबल पूछे हैं तो एग्रीकल्चर वेस्ट एंड सीवेज इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाई आर बैक्टीरिया एंड फंगी कॉल्ड डी कम्पोजर्स अब बैक्टीरिया एंड फंगी को डी कम्पोजर्स क्यों बोलते हैं और हमें टू एडवांटेजेस बतानी है डी कम्पोजर्स की जो हमारे एनवायरमेंट के लिए एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए हमारी हेल्प करते हैं इनकी एडवांटेजेस क्या हैं तो बैक्टीरिया एंड फंगी जो हैं वो ईजीली क्या करते हैं डेड रिमेन्स होते हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं ये इजिली ब्रेक डाउन कर लेते हैं और जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो ये सिंपलर सब्सटांसिस में ऑर्गेनिक सब्सटांसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड वापस इस सॉयल में मिल जाते हैं और प्लांट्स इन्हें यूज करता है एज अ फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं ठीक है अब टू एडवांटेजेस क्या है इसकी पहली एडवांटेज क्या है कि ईजिली जो है जो जिस सॉइल से आती है उसे डीकम्पोज करके सॉइल में मिला देते हैं तो इस तरह से क्या करते हैं एनवायरमेंटल बैलेंस क्रिएट करते हैं और सेकंड क्या है ये एज अ स्क स्क्वेंजर्स भी uh, काम करते हैं कैसे करते हैं क्योंकि ये फीड करते हैं रॉटन प्लांट्स पे डेड uh, रिमेन्स पे तो इस तरह से स्कैंजर्स की तरह भी ये काम करते हैं रिटर्न में जो इसके एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में दूंगी नेक्स्ट क्या है कंस्ट्रक्ट एन एक्वेटिक फूड चेन शोइंग फोर ट्रॉपिक आपने यहाँ पे पूछा गया कि अपने मर्जी से आपने कोई भी एक्वेटिक बतानी एक्वेटिक वाली फूड चेन बतानी है जिसमें फोर ट्रॉपिक्स लेवल्स के बारे में बताया गया हो तो सबसे पहले हमने बात की है फाइटो प्लैंकटॉन फाइटो प्लैंकटॉन होता है प्रोड्यूसर ये आ गया हमारा फर्स्ट लेवल ठीक है इसके बाद इसे किसने ईट किया जू प्लांकटॉन जो है हमारा हरबी राइट right. उसके बाद क्रस्टेशियन क्रस्टेशियन क्या हुआ हमारा कार्निवर्स जिन्हें जिन्होंने जू प्लैक्टन को किया ठीक है क्रस्टेशियन को किसने किया फिश ने किया फिश भी हमारा कार्निवॉर हो गया उसके बाद फिश को एट लास्ट किसने कियान ने किया जो हमारा टॉप कार्निवर है तो इस तरह से हमारे फोर ट्रॉपिक लेवल्स प्रोड्यूसर हर्बिवोर्स कार्निवर्स एंड टॉप कार्निवर्स ये हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिल गए तो ये हमारे एक्वेटिक फूड चेन का एग्जाम्पल हुआ नेक्स्ट क्या है एक्सप्लेन एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल अब हमने यहां बताना है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है जब भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो आप सब जानते हो कि काफी सारे पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है ताकि वहां पे कीड़ा वीड़ा नहीं लगे तो क्या होता है जब भी पानी गिरता है इस इसपे चाहे बारिश आए या कुछ भी हो तो क्या होता है ये जितने भी पेस्टिसाइड्स क्रॉप्स में डले होते हैं वो सारे वॉश डाउन होकर सॉइल में आ जाते हैं अब सॉयल में आ गए तो प्लांट्स जो है वो सॉइल से ही वाटर लेते हैं तो वो वाटर के थ्रू एब्जॉर्बशन के थ्रू प्लांट्स में चले गए लॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल्स और इसके बाद इससे क्या हुआ प्लांट्स में चल गए इसका मतलब क्या फूड okay, चेन में एंटर कर गए अब ये ह्यूमन बींग्स को ये क्रॉप्स जो है वो कंज्यूम करते हैं तो इस तरह से क्या होता है ये पेस्टिसाइड्स होते होते इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के अंदर चले गए और उनकी बॉडीज में कलेक्ट हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन दोज विजिटिंग माई चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो थैंक यू